आगामी समय में केवो वरसाद पड़शे, केटलो वरसाद पड़शे, आ विषे हवामान विभाग ना अधिकारी माहिती आपी रह्या छे। दक्षिण गुजरात में मध्यम थी हळवा वरसादनी आगाही शिप्ते हवामान विभाग द्वारा करवामां आवी रही छे। केटलाक जिल्लाओमां भारे थी अति भारे वरसाद पड़शे, तो आगामी 5 दिवस गुजरात में सामान्य वरसाद रहेशे। सौराष्ट्रमां पण हळवो वरसाद रहेवानी शक्यताओ छे। दक्षिण गुजरात में मध्यम थी हळवा वरसादनी आगाही, तो केटलाक विस्तारों एवा छे के ज्यां भारे वरसाद वरसशे। मध्य गुजरात की बात करिए, अमदावाद में अत्यारे वधारे भारे वरसाद की कोई प्रकार की आशंका व्यक्त करवामां नथी आवी। गुजरात में 37% जेटलो वधु वरसाद थयो छे। अगले 5 दिन में गुजरात में हल्की फुल्की बारिश रहने का संभावना है, ज़्यादा बारिश होने का कोई संभावना नहीं है। ऐसे हो भी सकता है कोई कोई डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल बारिश ना मिले, लेकिन साउथ गुजरात में बारिश मिलते रहेगी, लाइट टू मॉडरेट रेन मिलते रहेगी, एक आध हैवी भी हो सकता है एक आध डिस्ट्रिक्ट में। और सौराष्ट्र कच्छ में मोस्टली हल्की फुल्की बारिश रहेगी, सामान्य बरसात पड़ने का संभावना है। एंड एक आध जगह में भारी नियरली भारी बारिश हो सकता है, लेकिन मोस्टली ज़्यादा बारिश होने का कहीं पे भी संभावना नहीं है। अहमदाबाद में मोस्टली बारिश अभी जो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बीच बीच में लाइट रेन हो सकता है, कभी कभार थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग भी हो सकता है, ज़्यादा बारिश होने का कोई संभावना नहीं है। अभी फिलहाल जो बारिश हुआ है पूरे गुजरात स्टेट एज ए होल 93% एक्सेस रेन हुआ है, एंड गुजरात रीजन में 37% एक्सेस रेन हुआ है एज ऑफ नाउ। एंड सौराष्ट्र कच्छ में 166% एक्सेस हुआ है फ्रॉम लॉन्ग पीरियड ऑफ रेन।